नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। आप देख रहे हैं टेक्निकल डेली अपडेट। दोस्तों आज का यह वीडियो एयरटेल पेमेंट बैंक यूजर्स के लिए है, या कहते हो माय एयरटेल ऐप यूजर्स के लिए। दोस्तों अगर आप भी जो है एयरटेल ऐप में जो है यूपीआई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फर्स्ट टाइम जो है यूपीआई रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसका जो है पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं जो है अपना एयरटेल एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं आपको पे के ऊपर हम जो है क्लिक करना है। पे में जितनी सर्विसेज दी गई है यह सारी जो यूपीआई से रिलेटेड है, जैसे कि स्कैन करके पैसा पे करना, स्कैन करके क्यूआर के क्यूआर से पेमेंट लेना, सेल्फ ट्रांसफ़र करना, चेक बैलेंस वगैरह सारा कुछ यहाँ पर मतलब यूपीआई से रिलेटेड। एक तरह जैसे फ़ोन पे गूगल पे वर्क करता है, यह पेज वही काम करता है, यह पे का पेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं सेल्फ ट्रांसफर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये मुझसे पहले जो है मेरा बैंक अकाउंट इसमें लिंक करने बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है देखिए यूपीआई रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहा है। तो चलिए मैं सबसे पहले यूपीआई रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। तो उसके लिए आपको किसी भी एक पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे देगा, नहीं तो यहाँ पर देख सकते हैं एयरटेल यूपीआई के बगल में सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यूपीआई सेटिंग आ गया। यहाँ पर लिंक बैंक अकाउंट के ऊपर आपको जो है क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज का परमिशन मांगेगा, आपके यहाँ पर अलाउ कर देना है। उसके बाद आपका जो भी सिम है 1 तो 1 2 या 2 जो बैंक अकाउंट में रजिस्टर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर मुझे क्लिक कर देना है। उसके बाद यह जो है आपका डिवाइस वेरीफाई कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है इंतज़ार कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर वेरीफिकेशन यहाँ पर हो गया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमसे हमारा बैंक पूछ रहा है। तो यहाँ पर मेरा कई बैंक है, बट मैं यहाँ पर जो है पेटीएम चाहता हूँ। तो आप यहाँ से कोई भी जैसे एक सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो सर्च बार में सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ पेटीएम, और ये देख सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक यहाँ आ गया। सिंपली इसके ऊपर मैं जो है क्लिक कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा बैंक अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पर रजिस्टर हो गया। साथ ही यहाँ पर क्यूआर कोड भी यहाँ पर दे दिया, इस क्यूआर कोड के जरिए मैं जो है किसी से भी पेमेंट ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पेमेंट यहाँ पर प्राइमरी हो गया। आप चाहें तो इसमें और भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। नीचे में एक ऑप्शन दे रहा, देख सकते हैं ऐड अनदर बैंक अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करके आप और भी जो है बैंक यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं। ये और भी बैंक ऐड करने का फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि सेल्फ ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन दिया है देख सकते हैं इसके ऊपर, मैं अगर अभी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझसे यहाँ पर एक ही बैंक दिख रहा है, और ऐड करेंगे तो एक से दूसरे में जो है पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों ये छोटा सा प्रोसीजर था जो है यूपीआई रजिस्ट्रेशन का। आपको कैसा लगा कमेंट से कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस एयरटेल यूपीआई का पूरा जानकारी चाहते हैं तो उस पर पहले ही मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसे जाकर जो आप देख सकते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।